तो हेलो एवरीवन मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम

अब वॉट विल बी द और देखो पहला क्या है हैप्टेन तो ये हैपटेन का होगा ये हैप्टेन का होगा ठीक और ये क्या है ऑक्टेन का होगा दो कंपोनेंट है ना ठीक तो ये वाला जो पहला वाला वो हैप्टेन का ये दूसरा अब वॉट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ट्वेंटी सिक्स ग्राम ऑफ हैप्टेन एंड थर्टी फाइव ग्राम ऑफ ऑक्टेन ठीक तो भाई देखो तुम्हें गिवन वेट तो मिल गया ठीक है अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं तो मैं सबसे पहले मिक्सचर निकालना है और वेपर प्रेशर तुम्हें पता करना है वेपर प्रेशर क्या होता पी इज इक्वल टू पी नॉट ठीक पी नॉट ए चाई ए प्लस क्या होगा वाई पी नॉट बी चाई बी यही होता है ना यही होता है ना रोल्स लॉ रोल्स लॉ याद आ रहा है चलो बहुत अच्छे तो अब तुम्हें क्या है टोटल वेपर प्रेशर निकालना है किसका दोनों के साथ में तो ये ऐसे ही आएगा तुम्हें ये इक्वेशन चाहिए ठीक है तुम्हारे पास है क्या क्या तुम्हारे पास पी नॉट ए है ठीक पी नॉट ए है तुम्हारा ये है पी नॉट ए पी नॉट ए ऑलरेडी प्रेजेंट है और पी नॉट बी भी तुम्हारे पास गिवन है ठीक है तो अब तुम्हें तो सिर्फ चाहिए है चाई ए चाई बी ठीक तो ये हम बहुत इजीली ले निकाल लेंगे ठीक अब देखो चाय ए होता क्या है चाय ए क्या होता है एन ए NA एन ए प्लस एन बी यही होता ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या तो मैं किसका चाहिए पहले सॉल्वेंट का चाहिए ना तो चलो सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ठीक तो फिर क्या उसका ही टोटल कंपोनेंट देखो ये जब सिंगल कंपोनेंट सिंगल कंपोनेंट तुम्हारा सॉल्यूट हो सकता है सॉल्वेंट हो सकता है पर टोटल कंपोनेंट तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन होगा ना ठीक तो ये पूरा मिक्सचर होगा अब एन ए कैसे निकालते हैं NA, होता है, कैसे निकालते कैसे एन ए ये क्या होता है mass, क्या दिया तुम्हें? क्या दिया तुम्हें? किसका Heptane का, का. कितना है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास निकाल सकते ना हम है मतलब क्या सात नंबर का चेन सात कार्बन होंगे ना C7 और एन ग्रुप है एन ग्रुप है तो वो सी एन एच टू एन एच टू एन प्लस टू होगा तो ये कितना ठीक है तो ये कितना सेवन इंटू टन इंटू सिक्सटीन तो ये तुम्हारा क्या आएगा हंड्रेड आएगा हंड्रेड आएगा ना ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ एट्टी फोर और सिक्सटीन एट्टी फोर प्लस सिक्सटीन हंड्रेड ठीक तो ये हो जाएगा तुम्हारा हंड्रेड तो ये कितना आएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट टू सिक्स तो एन ए आगे तुम्हारा क्या कितना आएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट टू सिक्स अब तुम एन बी निकाल सकते हो एन बी निकाल सकते हो एन बी क्या है एन बी तुम्हारे क्या है एन बी है तुम्हारा ऑक्टेन ठीक एन बी है तुम्हारा ऑक्टेन ठीक ऑकटेन तुम्हें कितना प्रेजेंट है ट्वेंटी फाइव परसेंट ओ थर्टी फाइव परसेंट ठीक है अब उसका मोलिकर वेट कितना होता है ऑक्टेन है तो सिर्फ एक एक बढ़ाना है तुम्हें ऑक्टेन है ना मतलब आठ कार्बन ठीक तो एट इंटू ट्वेल्व प्लस ठीक है तो वहां पे भी बढ़ेंगे कितना हो जाएगा वो हो जाएगा एच एच कितने हो जाते एटीन हो जाएंगे ना एट इंटू टू सिक्सटीन प्लस टू एटीन तो ये क्या हो जाएगा वन इंटू एटीन तो ये तुम्हारा कितना आएगा ऑलमोस्ट यह आएगा तुम्हारा वन वन फाइव कुछ आएगा वन वन फोर कुछ आएगा वन वन फोर कुछ तुम्हारा आएगा ये हो जाएगा वन वन फोर ठीक वन वन फोर जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा इधर जीरो पॉइंट थ्री जीरो आएगा तुम्हारा क्या एन बी तो दो चीज़ हमारी आ गई अब हम निकाल सकते हैं क्या चाय ए निकाल सकते हैं हम चाय बी भी निकाल सकते हैं हम ठीक है तो चलो चाय ए निकाल एन बी कितना दिया तुमने जीरो पॉइंट थ्री जीरो दिया इतना ठीक है अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा चाय ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू सिक्स अपॉन इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव सिक्स इतना ही कुछ आएगा तुम्हारा तो ये तुम्हारा कुछ निकल गया है जीरो पॉइंट फोर सिक्स ठीक है ये आ गया तुम्हारा जीरो पॉइंट फोर सिक्स अब भाई चाय ए आ गया है ठीक है तो हम चाय बी भी निकाल सकते हैं वो क्या होता है चाय ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू होता है वन ठीक है हमारा चाय ए आ चुका है तो हम चाय बी निकालेंगे ये क्या होगा ये वन माइनस ये क्या होगा ये हो जाएगा तुम्हारा ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स ठीक जीरो पॉइंट फोर सिक्स हो जाएगा तो ये आएगा तुम्हारा कितना वन जीरो पॉइंट फाइव फोर यह आएगा ये आएगा हमारे पास चाय ए आ गया हमारे पास चाय बी आ गया ठीक अब क्या सीधा सीधा तुम्हारे पास क्या है पार्शियल प्रेशर है ठीक है प्रेशर है तुम्हारे पास दोनों के उसको पुट कर दो क्या आएगा तुम्हारा आंसर देखो देखो रखो पी तुम्हारा टोटल दिया है पी ए क्या है तुम्हारा पी ए कितना है तुम्हारा पी ए है तुम्हारा वन जीरो फाइव पॉइंट टू इन टू ए कितना दिया तुम्हारा चाई ए हमने निकाला कितना है हमारा आया जीरो पॉइंट फोर सिक्स प्लस ये प्रेशर कितना दिया हमारा फिर से इसका इसका दिया है तुम्हें कितना फोर्टी सिक्स पॉइंट एट प्लस उसके बाद तुम्हारा चाई बी कितना है तुम्हारा जीरो पॉइंट फाइव फोर जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव कुछ पास्कल किलो पास्कल ठीक है समझ गए देखो, किलो पास में दिया तुम्हारी यूनिट भी किस में आएगी किलो पास कल में आई समझिए बात तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला इस वीडियो का चलो हम आगे देखते चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा ईजी है वो भी देखते हैं चलो देखो द वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ठीक कितना दिया तुम्हें ट्वेल्व पॉइंट थ्री किलो पास कल दिया कितने पे थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड कैलवन पे कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वन वन मोलर ठीक है सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट ठीक नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट के साथ तुम्हें वाइबर प्रेशर निकालना है किसका वाटर का ठीक है तो, तो देखो तुम्हें गिवन क्या क्या है तुम्हें गिवन है क्या ट्वेल्व पॉइंट थ्री प्रेशर तुम्हें किसका गिवन है वाटर का मतलब पी नॉट पी नॉट तुम्हें गिवन है ठीक है अब देखो और तुम्हें क्या गिवन है तुम्हें मोलर गिवन है वन मोलर सॉल्यूशन है ठीक और तुम्हें क्या है और कुछ नहीं गिवन ना इतना नहीं गिवन है देखो तो सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पी इज इक्वल टू पी नॉट चाय ए होता है ये होता है क्या तुम्हारा ये याद आया रोलो याद आ रहा ना ठीक यही होता ना चलो अब देखो तुम्हें तो क्या चाहिए चाय ए चाहिए तुम्हें मोलर गिवन है पिछला वाला वीडियो पिछला वाला वीडियो देखा है उसमें क्या था जहाँ हमें मोलरिटी गिवन है ठीक है हमें सिर्फ चाय ए चाय भी निकालना है तो हम कौन सा रिलेशन लगाते हैं एम स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है चाई बी अपॉन वन माइनस चाई बी मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है और अगर ये किलोग्राम में है तो ठीक है अगर नहीं है तो अगर ये ग्राम में है तो ये ऊपर थाउजेंड से इंटू ठीक है ये तो बहुत नॉर्मल है अब देखो तो मैं मोलल गिवन है मोलल कितना है तुम्हारा वन तो वन इज इक्वल टू ठीक है ये हो जाएगा कितना तुम्हारा थाउजेंड चाय भी क्योंकि हमने अभी तक निकाला ही नहीं है ठीक है अब देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एम ए एम ए क्या है मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या है वाटर है वाटर का कितना होता है एटीन होता है एटीन होता है ना ये मैं निकाल के नहीं ये तो बहुत ईजी था सबको पता होना ही चाहिए तो ये हो जाएगा 18 सीधे सीधे इंटू कर रहा हूं मैं देखो क्या हो जाएगा ये एटीन माइनस एटीन चाई यही होगा तो इसको इधर लेके आओ चाई भी के वैल्यू निकालो क्या होगा एटीन कॉमन ले लो सीधे इंटू ही मत करो देखो एटीन जाएगा? जाएगा तो ये तुम्हारी जो चाई बी की वैल्यू है वो तुम्हारी आएगी जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर इतनी ये हो गई तुम्हारी चाई बी की वैल्यू लेकिन हमें इसका तो कुछ काम ही नहीं है हमें इसका तो काम ही नहीं है हमें क्या चाहिए हमें किसका चाहिए हमें ए का चाहिए अब ए का कैसे निकालते हैं ये तो अभी भी पढ़ा है हमने चाई ए प्लस चाई बी इक्वल होता है वन ठीक है बी का गिवन है चाय ए का कैसे होगा चाई ए का क्या होता है वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर ये होगा तो चाई ए कितना आएगा तुम्हारा कितना आएगा जीरो पॉइंट नाइन एट आएगा ये तो हमें रिलेशन तो हमें पता ही है ना जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट आएगा तो बस सब कुछ आ गया तुम्हारे पास अब तुम वेपर प्रेशर निकालो पी इज इक्वल टू पी तो तुम्हें गिवन है पी नॉट हमने देखा ये कितना है ट्वेल्व पॉइंट थ्री है इन टू ठीक हमने क्या निकाला चाई ए निकाला चाई ए कितना है जीरो पॉइंट नाइन एट ठीक है पी कितना आएगा तुम्हारा पी आएगा तुम्हारा ट्वेल्व पॉइंट जीरो नाइन ये आएगा तुम्हारा क्या पी और ये क्या लग जाएगा पीछे पी के पी ए किलो पास्कल लग जाएगा तुम्हारा यूनिट ठीक तो ये था ये तो बहुत ईजी था देखो सिंपल सी बात है पहले भी बोला हूँ तुम लोग पहले फॉर्मूले ही लिख लो सही अच्छे से लिख लो ठीक है रिलेशन तो लिख ही लेना क्योंकि रिलेशन लगते ही है और ये रिलेशन ही लगा है हमारा ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए ये देखो ये बहुत बार आ गया अभी तक ठीक तो ये वाला तो याद ही रखना और वो डेंसिटी वाला मोलरिटी में भी वो भी याद रखना समझ गए चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलो देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स देखो क्या कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट ठीक है और जिसका तुम्हें तो मोलर मास कितना दिया है फोर्टी ग्राम गिवन है विच शुड बी विच शुड बी डिजोल्व इन ये भी नोट कर लो क्या वन वन फोर ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू एट्टी परसेंट ठीक है तो पहले तो देखो एट्टी परसेंट रिड्यूस कर रहा है ठीक करेगा कर रहा है ठीक तो कितने से कर रहा होगा हंड्रेड से ही तो कर रहा होगा हंड्रेड परसेंट अगर होगा तो हम मान ले रहे हैं कि वो एट्टी परसेंट रिड्यूस कर रहा है ठीक इतना है तो देखो प्योर कितना हो गया तुम्हारा प्योर वेपर प्रेशर कितना हो गया तुम्हारा प्योर वेपर प्रेशर तुम्हारा कितना हो जाएगा ये तो पहले तो देखो एक्सप्रेशन क्या होता है ये होता है ना रोल्स यही कहता ठीक अब देखो पी तुम्हारा कितना हो गया प्योर प्योर तो प्योर कितना हो जाएगा तुम्हारा हंड्रेड इसमें से ही तो वो कुछ कम कर रहा है ठीक और तुम्हें तो गिवन कितना है कितना कम हो रहा है वो ऑलमोस्ट एट्टी ठीक है तो इधर से हम चाय ए की वैल्यू निकाल सकते हैं चाय ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चाय ए की वैल्यू क्या आएगी देखो ये है तुम्हारा हंड्रेड एट्टी ठीक है सीधे निकाल रहा हूं मैं ये अपॉन में जाएगा एट्टी ये पी पी के अपॉन में पी नॉट आ जाएगा तो ये हो जाएगा हंड्रेड इज इक्वल टू चाई ए चाई ए तो चाय ए की वैल्यू कितनी निकलेगी इधर से जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट निकलेगी चाय किसकी वैल्यू ए की वैल्यू अब तुम्हें चाय ए आ गया है तुम्हारे पास अब तुम्हें निकालना क्या है तुम्हें निकालना है कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ठीक है सॉल्यूट ठीक है मतलब बी सॉल्यूट मतलब बी मतलब तुम्हें निकालना क्या है तुम्हें निकालना है गिवन वेट डब्ल्यू बी निकालना है अब ये बताओ हम निकाल कैसे सकते हैं चाय ए क्या होता है चाय ए क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स यही होता है यही होता है अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स चलो ए के क्या होंगे तो गिवन वेट ए का और गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट ए का यही होता है ना भाई यही होता है ना चलो ठीक अब देखो सेम इसमें होगा चाहे बी का चाहे एन बी का सॉरी एन बी का क्या होगा गिवन वेट गिवन वेट किसका बी का और मॉलिक्यूलर वेट बी का यही होगा और हमें चाहिए क्या है हमें चाहिए ये तो निकल आएगा ना समझ रहे हो तो निकल आएगा हमारा अब देखो होगा क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करो एन ए क्या आएगा तुम्हारा चलो एन ए हम अलग से निकाल लेते एन -A, एन -A, है गिवन वेट, गिवन वेट वेट दिया है क्या एनए का गिवन वेट दिया है हाँ जी भाई बिल्कुल दिया है कितना दिया है ऑक्टेन वन -वन -फोर, वन -वन -फोर, का दिया है मॉलिकुलर वेट कितना होता है ऑक्टेन का चलो निकालते हैं ठीक है सीधे प्लस कर दो टू इन टू ऐसे कर दो देखो ऑक्टेन मतलब कितना होगा सी एट होगा ठीक है सी एट होगा फिर कितना होगा ये एच एटीन हो जाएगा सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक तो ये क्या होगा एट इन टू ट्वेल्व प्लस एटीन तो ये तुम्हारा आएगा ऑलमोस्ट वन वन फोर ठीक वन वन फोर आएगा तो यहाँ पे रख दो वन वन फोर मोलिकल वेट भी आ गया तुम्हारा तो एन ए क्या आया तुम्हारा वन एन ए गया तुम्हारा वन ठीक अब हमें दूसरा क्या चाहिए हमें दूसरा चाहिए एन बी चलो एन बी निकालते हैं एन बी एन बी एन बी कैसे निकलेगा गिवन बेट, गिवन वेट वेट है क्या तुम्हें तो गिवन वेट दिख रहा है तुम्हें तो किसी का वही तो हमें कैलकुलेट करना है नहीं है ना तो उसको हम सीधे रख दे रहे हैं डब्ल्यू बी मोलिकुलर वेट दिख रहा है तुम्हें तो मैं हाँ देख रहा है फोर्टी तो फोर्टी हमें सर ऐसे रख देते हैं अब हमारे पास दोनों चीज आ गई है वैल्यू पुट करो आंसर भी आ ही जाएगा देखो चाय ए क्या है हमारा चाय ए कितना निकला था जीरो पॉइंट एट इज एक टू एन ए कितना निकला हमारा वन अपॉन ये भी वन एन ए फिर से वन और ये एन बी क्या है तुम्हारा डब्ल्यू बी अपॉन फोर्टी यही होगा ठीक है अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो तुम्हारा डब्ल्यू बी कितना आएगा टेन ग्राम ठीक है डब्ल्यू बी आएगा तुम्हारा टेन ग्राम तो इसका जो जो वेट है वो तुम्हारा कितना आ गया टेन ग्राम अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे ना इसको तो तुम सॉल्व कर ही लोगे एक काम करना ना इस, इसको पलटा के भी कर सकते हो तो वन अपॉन जीरो एट हो जाएगा वो ठीक है और ये ऊपर आएगा तुम्हारा वन प्लस डब्ल्यू बी अपॉन फोर्टी एल्शियम ले लेना इधर कर देना तो तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा कितना टेन ग्राम ठीक तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ठीक इसका आंसर आया तुम्हारा टेन ग्राम ठीक ग्राम में लगा क्योंकि मास चाहिए था ठीक है ना तो यूनिट पे भी ध्यान रखना यूनिट पर भी नंबर भी काटते हैं और आगे जो पूछते हैं में भी कभी कभी यूनिट पूछ लेते हैं ठीक जैसे डायपोल का पूछते हैं ठीक है चलो अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखो क्या कह रहा है कह रहा है वो असोल्यूशन कंटेनिंग थर्टी ग्राम ऑफ नॉन वर्टाइल सॉल्यूट ठीक है नॉन वर्टाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में है वो भी किसम नाइन्टी ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ठीक है तो वो वो पर वेपर प्रेशर कितना बना रहा है जीरो पॉइंट टू पॉइंट एट बना रहा है कितने पे टू नाइन्टी एट कैल्पिन पर ठीक अब उसके बाद उनने क्या किया वो सॉल्यूशन में एटीन ग्राम ऑफ वाटर एड कर दिया टू पॉइंट नाइन के पी ए इतने पे अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है तो तुम्हें तो पहले रिलेशन पता होना चाहिए फिर से पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट क्या होता है क्या होता है डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू एम ए अपॉन क्या होता है डब्ल्यू ए इंटू एम बी ये तो मैं रिलेशन पता ही होना चाहिए ठीक है ना चलो देखो आ, ये तो मैं रिलेशन पता ही होना चाहिए है ना अब देखो क्या होता है P जो है पी तुम्हें कितना गिवन है भाई तो तुम्हें गिवन है टू पॉइंट एट ठीक तुम्हें P गिवन है तो ये क्या जाएगा P नॉट माइनस टू पॉइंट एट अपॉन पी नॉट इज है सॉल्यूट का वेट कितना दिया है, भाई देखो. है ना है, तो ये हो गया वेट थर्टी इन टू मॉलिकुलर वेट ऑफ क्या तुम्हारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा वाटर है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा एटीन ठीक है ना ये तो हमें पता है ना बहुत पहले से चलो अब आ, आ, गिवन वेट किसका किसका गिवन वेट सॉल्वेंट का सॉल्वेंट कितना दिया तुम्हें 90 ग्राम तो यह जाएगा इन टू मॉलिकुलर वेट ऑफ क्या नॉन वॉलटाइल सॉल्यूट वही तो हमें निकालना है तो इसको हम रख देते हैं सीधे एम बी ही इस, इसको बनाते हैं हम इक्वेशन वन इक्वेशन वन अब दूसरा हमें ऐड कर दूसरा देखते हैं अब दूसरा क्या कह रहा है देखो दूसरा क्या, क्या कह रहा है एटीन ग्राम ऑफ वाटर इज एडिड इन द सॉल्यूशन फिर से वही एटीन ग्राम वाटर है तो सेम वही यही रिलेशन लगाओ पी नॉट माइनस पी पी कितना बना इनका नया वाला पी बना इनका टू पॉइंट नाइन वन तो ये कितना हो जाएगा टू पॉइंट नाइन ये हो जाएगा तुम्हारा टू पॉइंट नाइन ठीक है अब देखो पी नॉट वैसे का वैसा ही क्योंकि पी नॉट हमें पता ही नहीं है अब सेम मोलिकुलर वेट ऑफ किस का? का तो वो चेंज हुआ क्या वो चेंज हुआ क्या उन्होंने वाटर ऐड करा है सॉल्यूट ऐड नहीं करा तो वो कितना हो जाएगा फिर से इन टू मोलिकुलर वेट पानी ही तो ऐड किया है कुछ और थोड़ी मिला है तो वेट भी 18. अब देखो मोलिकुलर जो गिवन वेट है किसका सॉल्वेंट का अब कितना हो जाएगा अभी तो नाइनटी था उनने एटीन और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा वन जीरो ग्राम तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना वन जीरो और मॉलिकुलर वेट तो मैं अभी पता ही नहीं है ठीक ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर टू ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर टू और अब हम क्या करें अगर इक्वेशन नंबर वन को हम डिवाइड कर दें टू से तो क्या आएगा तुम्हारा देखो ये आएगा तुम्हारा P0 नॉट माइनस टू अपॉन पी इज इक्वल क्या है तुम्हारा इसको सीधे सीधे काट दो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या वन अपॉन थ्री और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना सीधा सिक्स ये हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिक्स अपॉन एम बी टोटल देखो डिवाइड कर रहे हैं नक्वेशन वन अब इक्वेशन नंबर टू को वो क्या है तुम्हारी पी नॉट माइनस टू पॉइंट नाइन अपॉन सेम पी नॉट इज इक्वल टू किसकेक्वल है देखो अब ये देखो इसको मैं काट सकता हूँ ना चलो नहीं काटते देखो ये कितना आएगा तुम्हारा थर्टी सॉल्व ही कर लेते एक काम करो देखो ये कितना आएगा तुम्हारा इसको काटो तो ये तुम्हारा आएगा फाइव अपॉन एम बी इसको जब तुम करोगे तो यह जाएगा तुम्हारा फाइव अपॉन एम बी ठीक है ये इतना जाएगा अब यहाँ पे रख दो फाइव अपॉन एम बी तो एम बी से एम बी कैंसिल पी नॉट से पी नॉट कैंसिल तो तुम्हारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी पी नॉट माइनस टू पॉइंट एट इज इक्वल टू सिक्स अपॉन पी नॉट टू पॉइंट नाइन इज अपॉन फाइव तो ये बन जाएगी तुम्हारी नई इक्वेशन ठीक है अब यहां से तुम पी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो पी नॉट पी नॉट तुम्हारा आएगा कितना अगर अब हम यहाँ से क्या करें हमारे पास ये आ गई वैल्यू ठीक है हमारे पास आ गई अब हमें निकालना एम बी चलो हम एम बी निकालते हैं एम बी यहाँ पे रख के निकालते हैं हम इक्वेशन नंबर वन पे तो ये क्या है हमारा पी नॉट की सीधे रख दिख रहा हूँ थ्री पॉइंट टू ये देखो थ्री पॉइंट टू माइनस टू पॉइंट एट अपॉन ये भी हो जाएगा थ्री पॉइंट टू थर्टी फोर तो ग्राम ठीक तो है, है? ये हो जाएगा हमारा आंसर समझ गया बात चलो अब हम देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलो जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा चलो क्या कह रहा है शुगर क्या होता है तो सबसे पहले तो देखो भाई फार्मूला क्या होता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ अलेवन ठीक ये होता है तुम्हारा शुगर ठीक इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट टू सेवेंटी वन जब कैन शुगर प्रेजेंट था वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है टू सेवेंटी वन अब तुम्हें तो कैलकुलेट करना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट किस में है फाइव परसेंट ग्लूकोज में ठीक कैलकुलेट तो मैं अब नया करना है जो फाइव परसेंट ग्लूकोज हमने वाटर में मिलाया जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है टू सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलवन ठीक अब तुम्हारे तो पास दो टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है एक प्योर गिवन है और एक जब वो सॉल्यूशन में था तब गिवन है ठीक है तो टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं टू सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस टू सेवन वन ठीक है ये निकाल सकते हैं हम अब देखो ये जीरो है ना हाँ अब देखो अब तुम्हें मेन तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है डेल टी एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा के एफ इंटू ये पता होना चाहिए अब मोलैलिटी क्या होती है भाई ये क्या है तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा मोल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है ना ये ठीक है अब देखो मोलैलिटी क्या होती है तुम्हारी स्मॉल एम तुम्हारा होता क्या है क्या अगर वो ग्राम में है तो ठीक ये होता है अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या प्रेजेंट है क्या क्या प्रेजेंट है तुम्हारे तुम्हारे पास पास देखो गिवन वेट तुम्हारे पास है क्या सॉल्यूट का हाँ जी है कैसे है देखो फाइव परसेंट वेट बाय वेट है ना तो फाइव ग्राम किस में प्रेजेंट होगा हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूशन बना रहा है ठीक हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अब इधर देखो तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा क्या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया अब मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्वेंट का वेट क्या होगा तो तुम क्या करोगे हंड्रेड माइनस फाइव तो तुम्हारा क्या जाएगा क्या जाएगा तुम्हारा गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा तो कितना होगा नाइन्टी फाइव इतना तो समझ ही होगा कि बहुत टाइम से करते आ है, रहे हैं न्यूमेरिकल अब देखो ठीक गिवन वेट तुम्हारा क्या है गिवन वेट है तुम्हारा फाइव ग्राम अब उसमें तुम्हें और क्या लगता है मोलिकुलर वेट लगता है मोलिकुलर वेट किसका सॉल्यूट का तो इसका क्या हो जाएगा ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व वन फोर फोर प्लस क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू ठीक और फिर O 11, देखो ऐसा है ये हो जाएगा ट्वेल्व इंटू टन इंटू ट्वेंटी टू प्लस ठीक और बाकी इसका कितना जाएगा 16 into 11, तो यह जाएगा तुम्हारा थ्री फोर टू ग्राम तो मॉलिकुलर मास ऑफ जाएगा तुम्हारा थ्री फोर्टी टू ग्राम ठीक तो ये हो जाएगा थ्री फोर्टी टू अब तुम्हें और क्या चाहिए डब्ल्यू ए अभी हमने निकाला ही था क्या था तुम्हारा गिवन वेट सॉल्वेंट का ये था ना नाइनटी फाइव क्योंकि अभी तो बताया नाइन्टी फाइव परसेंट क्या तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्यूशन तुम्हारा हंड्रेड था तो ये तुम्हारा ये भी गेवन है तुम्हारा नाइन्टी फाइव तो सब चीज़ तुम्हारे पास गेवन है चलो निकालते हैं अब क्या है टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारा कितना आएगा ऑलमोस्ट टू आएगा तुम्हारी ये ऑलमोस्ट तुम्हारा टू तु आएगा ना टू पॉइंट वन फाइव इज इक्वल टू ये देखो इधर मैं रख रहा हूँ वैल्यू ना टू पॉइंट वन फाइव इज इक्वल टू के एफ़ नहीं पता ठीक अब तुम्हें मोलैलिटी पता है ना तो सीधे रख दो क्या देखो गिवन वेट फाइव इन टू थाउजेंड अपॉन ठीक इसका कितना आया था टू इन टू ठीक है तुम्हारा कितना प्रेजेंट है ये यह है ये है इतना तुम्हें समझ गए ये कहां से आया इतनी वैल्यू कहां से आई क्योंकि ये मोलर है मोलर का फॉर्मूला ये होता है और गिवन है तुम्हारा ये सब समझ गए बात ठीक है ठीक है ना समझ गए बात चलो बहुत अच्छा तो के एफ की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव तो ये आएगी तुम्हारी के एफ़ की वैल्यू ठीक के एफ़ की वैल्यू हमारी ये आ गई अब हमें और क्या निकालना है भाई कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइव परसेंट ग्लूकोज इन वाटर ठीक हमारे पास अब तुम्हें तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है चलो अब तुम्हारे तो पास चीज़ें क्या क्या है तुम्हें तो निकालना है टी किसका ये तो हमारा किसका था केन शुगर का केन शुगर का हमारे पास अभी ये था अब हमें निकालना है ग्लूकोज का चलो ग्लूकोज का निकालते हैं इसका भी क्या होगा के एफ मोलर ठीक है ये ग्लूकोज के लिए ये हम निकाल रहे हैं ग्लूकोज के लिए हम्म अब देखो इतना तो तुम्हें प्रेजेंट है तुम्हें चीजें पता होगी मोलालिटी क्या है के एफ की वैल्यू हमने निकाल ली ठीक है डेल्टी हमें निकालना ही है तो डेल्टी क्या है तुम्हारा निकालना है के एफ की वैल्यू हमारी कितनी आई थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव अब देखो सेम इसी फॉर्मूले से देखेंगे हम ठीक मोलालिटी ग्लूकोज का गिवन वेट है क्या ग्लूकोज का गिवन प्रसेंट हाँ फाइव परसेंट है मतलब फाइव ग्राम प्रेजेंट होगा ठीक है तो हमारे पास वो फाइव है थाउजेंड सेम का सेम रहेगा मॉलिकुलर वेट है क्या हमारे पास किसका ग्लूकोज का निकाल सकते हैं नहीं भी है तो क्या हो जाएगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो ये क्या जाएगा वन एट्टी हो जाएगा ठीक है इसको निकालोगे से तो तुम्हारा जाएगा वन एट्टी वैसे ही कर लेना सिक्स इंटू ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इंटू सिक्स इंटू सिक्सटीन ठीक है तो तुम्हारा कितना आएगा ये ये जाएगा तुम्हारा वन एट्टी तो, तो तुम्हारे पास वन एट्टी आ गया चलो इसको हम रख देते हैं सीधे सीधे रखते हैं फाइव इन टू थाउजेंड अपॉन वन एट्टी इंटू अब ये भी कितना है फाइव परसेंट है मतलब 5 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा भाई 5 ग्राम होगा हंड्रेड ग्राम में ठीक है तो सॉल्वेंट कितना हुआ हंड्रेड माइनस फाइव कितना आएगा तुम्हारा नाइन्टी फाइव आएगा नाइन्टी फाइव आएगा ना देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा नाइन्टी फाइव जब तुम डेल टी निकालोगे तो यह जाएगा तुम्हारा फोर पॉइंट नाइन फाइव कुछ ठीक ऐसा जाएगा तुम्हारा क्या फोर पॉइंट नाइन फाइव कुछ आ जाएगा अब बाकी सब आ गया तुम्हारे पास ये सब चीजें तो आ गई अब तुम्हारा प्योर ये है अब तुम्हें निकालना है कि कितना चेंज हुआ ठीक प्योर तुम्हारे पास है उसको माइनस कर दो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस इसको माइनस कर दो फोर पॉइंट नाइन फाइव ठीक अब जो भी आएगा तुम्हारा वो क्या होगा वो तुम्हारा आंसर होगा अब इसका आंसर कितना आएगा ऑलमोस्ट आएगा तुम्हारा टू ठीक इसको निकालोगे तुम्हारा जाएगा टू सिक्सटी नाइन पॉइंट में कुछ आएगा कैल्वेन ठीक है समझ गए बात तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन ट्वेंटी वाला समझ गए गएगे मेन तुम्हें क्या ही याद रखना है बस सिर्फ तुम्हें याद रखना है ये फॉर्मूला ये और तुम्हें मोलिटी पता होना चाहिए इसके लिए ठीक है तो ये जो फॉर्मूला है वो मेन है तुम्हारे लिए ठीक है एक बार मैं उसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ वो और देख लो देखो ये क्या है मैं पूरा खोल के लिख रहा हूँ मैं उसको इधर ये हो जाएगा डेल टी इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलॉलिटी क्या होती है सेम ऐसा डब्ल्यू बी इन टू थाउजेंड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट तो ये है तुम्हारा मेन फॉर्मूला ठीक है तो इसको याद रखें कृपया करके तो ये फायदा करेगा समझ गए बात चल देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखो। B, दो है देखो टू एलिमेंट ए एंड बी दो एलिमेंट हैं ए और बी ठीक है वो क्या कर रहे हैं वो भाई एक कंपाउंड बना रहे हैं वो है ए बी टू और एक बना रहा है ए बी फोर ठीक वेन डिजोल्व इन बेंजीन ठीक है तो ये सब सॉल्यूट हो गए डिजोल्व किस में हो रहा है बेंजीन में तो वो क्या होगा सॉल्वेंट हो, हो गया ठीक है ना अब वन ग्राम ऑफ ए बी टू वन ग्राम मतलब तो मैं इसने दे दिया किसका गिवन वेट दे दिया ठीक है ए बी टू लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय टू पॉइंट थ्री कैल्विन ठीक है इसने टेम्परेचर भी दे दिया तुम्हें ठीक है ये क्या होगा भाई ये तुम्हें के एफ भी दे दिया इनके फाइव पॉइंट वन ग्राम के जी फाइव पॉइंट के जी ठीक है कैलविन मोल इनवर्स दे दिया तुम्हें आप देखो कैलकुलेट तुम्हें एटॉमिक मास करना है ए और बी का ठीक है तो हमें जो मैथ्स वाले जो जानते ही हैं जो हमें निकालना ही रहता है हम उसको सपोज कर लेते हैं चलो मास ऑफ ए को हम सपोज कर लिए एक्स और हम बी को सपोज कर लेते हैं वाई ठीक है तो अब इसमें हम जब इसको सपोज करेंगे तो ए बी टू क्या हो जाएगा ए बी टू क्या जाएगा ए हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई ऐसे निकालते हैं ना मास ठीक है तो ए बी फोर क्या हो जाएगा ए बी फोर क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर वाई ठीक है तो ये तो हमारा हो गया एक ये हमारे हो गए एक ठीक हमने मॉलिक्र मास निकाला तो उसका है एक्स प्लस टू बाय और एक्स प्लस फोर बाय ठीक है अब इसको साइड में रख दो इतना लेके अब अब वो बोल क्या रहा है वैन डिजोल्व इन बेंजीन ठीक है तो एक ग्राम एक ग्राम किस में डिजोल्व जा रहा है ट्वेंटी ग्राम में तो वन ग्राम हो रहा है डिजोल्व किसने ट्वेंटी ग्राम ऑफ बेंजीन में ठीक है तो ये सॉल्यूट हो गया वो तुम्हारा सॉल्वेंट दे दिया उसने अब तुमको क्या निकालना है आ, लो, उसने फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया मतलब तुम्हें सब कुछ तो दे चुका है वो देखो अब तो फॉर्मूला लगा दो तुम तो सीधे सीधे देखो डेल टी इज मोलर मोलर याद रखना मोलर क्या है गिवन अपॉन मोलिकुलर इन टू थाउजेंड फिर क्या आ, किसका ए मतलब का मतलब सॉल्वेंट का गिवन वेट इतना तो अपन अब पढ़ चुके हैं ठीक है इसने कितना टेम्परेचर लोअर किया भाई टू पॉइंट थ्री किया ठीक है टू पॉइंट थ्री वेट देखो गिवन वेट है तुम्हारा वन ग्राम तो ये हो जाएगा वन इन टू थाउजेंड तो है ही है अपॉन मोलिकुलर वेट तुम्हें पता है क्या नहीं पता तो इसको रख दो सीधे एम बी ही इन टू गिवन वेट तो पता है क्या सॉल्वेंट का हाँ पता है ट्वेंटी ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा क्या फाइव ठीक जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे पूरा पूरा तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना जाएगा तुम्हारा पूरा पूरा इसको जब तुम कैलकुलेट करोगेगा तुम्हारा वन वन जीरो पॉइंट एट सेवन इज इक्वल टू एम बी ठीक ये आएगा तुम्हारा एम बी ठीक तो एट तुम्हारा पहला आ गया ठीक है तुम्हारा पहला मास आ गया ठीक अब तुम देखो दूसरा क्या है अब दूसरा क्या है तुम्हारा सेम है ए बी फोर के लिए उनने भी तुम्हें टेम्परेचर गिवन दिया हुआ है ठीक है तो हम लिखेंगे सीधे मैं सीधे फार्मूला वो जो फार्मूला उसमें ई पोर्ट कर रहा हूँ ठीक है ये क्या है देखो तुम्हारा टेम्परेचर कितना लोअर करा है इसने कितना गिराया इसने वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री इसने गिराया इज इक्वल टू के एफ तो में है के एफ तो में है पूरा बेंजीन के लिए और दोनों उसमें जा रहे हैं ना ठीक है तो ये हो जाएगा फाइव पॉइंट वन इन टू अब कितना कैसे बना वन ग्राम गया ना वन ग्राम किस में गया ट्वेंटी ग्राम में क्या तो वन गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन ठीक है अपॉन अब क्या मोलिकुलर वेट तो मैं पता है क्या उसका नहीं पता ए बी फोर की बात चल रही है ये ठीक है ये ए बी फोर की बात चल रही है और ये ए बी टू की बात ये ए बी टू का निकला है ठीक है ना अब ए बी फोर मोलिकुलर वेट पता है तो मैं नहीं पता तो उसको वैसे ही रख दो इन टू तो मैं सॉलवेंट का वेट पता है हाँ पता है ट्वेंटी ग्राम तो इसका भी सेम ये आएगा ये कट जाएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा एम बी इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा ये ऑलमोस्ट आएगा तुम्हारा वन नाइन्टी सिक्स वन नाइन्टी सिक्स ग्राम ठीक है वन नाइन्टी सिक्स ग्राम तुम्हारा वो कुछ आ जाएगा समझ गए बात चलो बहुत अच्छे तुम्हारे पास आ गए दो दो आ गए अब तुम्हें निकालना क्या है कैलकुलेट एटमिक मासेज ऑफ ए एंड बी अब ए एंड बी का तुम एटॉमिक मास भी निकाल ही सकते हो ठीक है और एक्स और वाई एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है अम्मी तुम एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे चलो हम वो देखते हैं इसको हम साइड में लिख लेते हैं क्या एम ए एम बी किसके लिए किसके लिए यह है ए बी फोर के लिए ठीक है लिए। तो अब देखो ए बी फोर का हमने वेट कितना निकाला था हमने निकाला था एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू कितना वेट आया इसका वेट कितना आया तुम्हारा वन 96. Point, इसका 0.15 कुछ आएगा ठीक है 15 196.15 क्योंकि ये जो पॉइंट में है ना तो पॉइंट के भी तो कुछ आंसर आएंगे ये हो जाएगा 196.5 समझ गया बात अब दूसरा क्या ab2 का निकाला था हमने तो क्या x plus 2y मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 110.87 ठीक है अब यहाँ से तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं एक इक्वेशन ये रही दूसरी इक्वेशन ये रही तो अब तुम क्या कर सकते हो भाई मैथ्स वालों क्या कर सकते हो तुम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हो तो तुम्हारी क्या जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं तो हमें ईजी पड़े थोड़ा क्या कर सकते हैं हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं देखो यहाँ से हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा वन नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव ठीक माइनस माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई ठीक है एक्स की वैल्यू आ गई हमारी इक्वेशन टू से से अब उसको टू में रख दो तो क्या आएगा तुम्हारा यह आएगा वन नाइनटी सिक्स पॉइंट ठीक है माइनस फोर वाई प्लस टू वाई ये वाला टू वाई इज इक्वल टू वन वन जीरो पॉइंट एट सेवन ये आएगा ये आएगा ना अब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या टू वाई हो जाएगा ये ये हो जाएगा तुम्हारा टू वाई देखो अब मैं वाई वाई को एक टर्म में साइड कर रहा हूँ और उसको इस साइड देखो तो वन सिक्स पॉइंट वन फाइव इसको इधर लेके आओ तो वन वन ज़ीरो पॉइंट एट सेवन यही होगा और जब तुम इसको करोगे तो ये कितना आएगा माइनस टू वाई तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा ये टू वाई एट्टी फाइव पॉइंट वन फाइव आएगा और एट्टी फाइव वन पॉइंट टू वाई तो वाई कितना हो जाएगा तुम्हारा फोर्टी टू पॉइंट सेवन कुछ हो जाएगा y हो जाएगा तुम्हारा फोर्टी टू पॉइंट सेवन अब y की जगह पे तुम क्या x की जगह पे y की वैल्यू रख दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें ठीक है हम यहाँ से निकालते हैं किस से एक्स प्लस टू वाई से x प्लस टू वाई से निकालते हम x प्लस टू वाई इज एकअल टू मोलिकुलर कितना आया था ए बी टू का ए बी टू का मोलिकुलर मास कितना आया था वन वन ज़ीरो वन वन जीरो पॉइंट एट सेवन ठीक है तो एक काम करो y की वैल्यू रख दो तो x प्लस कितना होगा ये टू इन टू फोर्टी तो सेम यही तो हो जाएगा ना ये हो जाएगा कितना तुम्हारा फोर्टी टू पॉइंट सेवन इज टू वन वन जीरो पॉइंट एट सेवन तो हो जाएगा x प्लस एट्टी फाइव पॉइंट फाइव वन फाइव इज इक्वल टू वन वन जीरो पॉइंट एट सेवन अब इसकी वैल्यू निकालो x इज इक्वल टू वन वन जीरो पॉइंट एट सेवन माइनस एट्टी फाइव पॉइंट वन फाइव ठीक है एट्टी फाइव पॉइंट वन फाइव तो ये तुम्हारी वैल्यू आएगी कुछ ये तुम्हारा x की वैल्यू आएगी इधर लिख रहा हूँ मैं देखो ठीक है x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी ट्वेंटी फाइव पॉइंट कितना होगा ये ये हो जाएगा तुम्हारा टू और सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन टू ठीक है ट्वेंटी फाइव पॉइंट ये हो गए तुम्हारी एक्स की वैल्यू तुम्हारा एक्स भी आ गया तुम्हारा वाई भी आ गया मौलिक मास हमने निकाल ही लिया तो हमारा ये आंसर हो गया ठीक है ये हमारा आंसर हो गया ये हो गई तुम्हारी एक्स की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई एक्स की वैल्यू हमारी आई ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन टू ठीक है वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी वाई की वैल्यू हमें आई थी फोर्टी टू पॉइंट सेवन ग्राम ठीक है तो मासस होगा ये समझ गए मासेज क्या होगा ये होगा ए जो है वो ट्वेंटी फाइव है जो बी है वो फोर्टी टू पॉइंट सेवन ग्राम है समझ गए बात चलो समझ गया ना ये ये क्वेश्चन समझ गया अच्छे से चलो बहुत अच्छे हमें सिर्फ इसमें लगा क्या हमें सिर्फ इसमें लगा फिर से यही फॉर्मूला मैं बोल रहा था ना कि इसको अच्छे से याद कर लेना ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ये हर जगह लगता है समझ गए ये चलो बहुत अच्छे चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलो देखो मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है एट 300 हंड्रेड के थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रजेंट किस में है एक लीटर में ठीक लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मेटिक प्रेशर फोर पॉइंट नाइन एट ये तो ऑस्मेटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन आ गया ठीक है फोर पॉइंट नाइन एट बार इफ द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें दिया है कितना वन पॉइंट फाइव टू बार एट सेम टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है तो वॉट बी इट्स कंसेंट्रेशन तो अब तुम्हें कंसनट्रेशन बताना मतलब तुमने पहले तो तुम्हें वेट दे दिया है ठीक है पहले तुम्हें वेट गेवन है दूसरे में तुम्हें वेट निकालना है ठीक है दूसरे में तुम्हें वेट निकालना है तो देखो इसको तुम क्या कर सकते हो या तो पहले का निकाल लो पहले का तुम क्या निकाल लो और फिर दूसरे से डिवाइड कर तो या जाएगा ना ठीक है समझ रहे ना ये बात जैसे कि हमने पहले किया था इक्वेशन दो निकाल ली थी फिर हमने उससे निकाला था तो हम वैसे अभी नहीं देखो इधर देखो ऑस्टोमेटिक प्रेशर तुम्हें ये रिलेशन कहाँ से मिलता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर पड़े ना वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या कहता है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी याद आया याद आया ना ठीक यही होता है ना पाई इज पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी तो देखो तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है गिवन क्या है तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है तो तुम्हारे पास, पास पाई ऑलरेडी है ठीक है पाई ऑलरेडी है ठीक इफ हाँ तुम्हारे पास और क्या क्या है चलो तुम्हारे पास ये है एक लीटर में है ना ये एक लीटर में है तो तुम्हारे पास वॉल्यूम भी गेवन है ठीक है ना और कुछ बचा क्या आर और टी भी गेवन है तुम्हारे पास टी कितना है तुम्हारा टी है तुम्हारा थ्री हंड्रेड कैल्वेन ठीक उससे हमें कुछ निकालना करना क्योंकि हम रेशियो निकालेंगे अब देखो पाई कितना है पाई है फोर पॉइंट नाइन एट वॉल्यूम तुम्हारा वन ऑलरेडी गेवन है एन क्या होता है मोल्स क्या होते हैं ठीक मोल्स क्या होता है भाई गेवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट यही होता है ना गेवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट चलो रख देते हैं इधर से ही देख लो एन इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट तो गिवन वेट तुम्हारे पास है क्या ऑलरेडी गिवन है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स है मोलिकुलर वेट किस का ग्लूकोज का निकालते आ रहे हैं सीधे लिख दूँ क्या लिख दू क्या वन एट्टी लिख दिया ठीक वन एट्टी तो ये क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन वन एट जीरो ठीक है इंटू आर इंटू टी ऐसे ही छोड़ दो ये इसको लिख लो इक्वेशन नंबर वन ठीक ये हो गई तुम्हारी क्या इक्वेशन अब ये हो गई इक्वेशन नंबर वन अब तुम क्या करो दूसरी चीज़ देखो अब वो बोल रहा है इफ़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पहुंच गया किस पे अब जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जब पहुंच गया किस पे 1.52 पे सेम वॉल्यूम पे 1 पे इज इक्वल टू तो तुम्हें कंसंट्रेशन बताना है तुम्हें क्या बताना है कंसंट्रेशन बताना है तो कंसंट्रेशन मतलब एन में से एन तुम्हें बताना है ठीक एन में क्या है गेवन वेट तो मैं निकालना है वही तो चलो डब्ल्यू मोलिकुलर वेट तो चेंज नहीं होगा कंसेंट्रेशन अगर किसी चीज़ का कंसेंट्रेशन बदल रहा है तो मगर मॉलिकुलर वेट तो वही रहेगा ना ऐसा थोड़ी ना वो ग्लूकोज और तो सुक्रोस बन जाएगा ऐसा नहीं ना तो इसको हम लिख देते हैं वन एट्टी इन टू आर इन टू टी सेम रख दो ये इसको एक क्वेश्चन बना लो टू अब मैं क्या करूँ अगर वन को डिवाइड कर दू टू से तो क्या आएगा यह आएगा देखो फोर पॉइंट नाइन एट इज़ इक्वल टू थर्टी सिक्स अपॉन वन एट्टी इंटू आर इंटू टी अपॉन होल अपॉन ये क्या होगा ये कितना होगा वन पॉइंट फाइव टू ठीक है इज इक्वल टू यहाँ से ये नहीं है पूरा ठीक है हाँ ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वन एट्टी इंटू आर इंटू टी तो ये टी ये आर एक दूसरे से कैंसिल वन एट्टी वन एट्टी से कैंसिल बचा क्या तुम्हारा ये बचा फोर पॉइंट नाइन एट अपॉन यहाँ पे क्या बचा वन पॉइंट फाइव टू बचा इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अपॉन डब्ल्यू थर्टी सिक्स अपॉन डब्लू अब तुम w तो निकाल सकते हो यहाँ से डब्ल्यू ये कौन सा वाला चल रहा है भाई ये कौन सा वाला चल रहा है ये मॉलिकुलर वेट चल रहा है ना किसका सॉल्यूट का जो हमें निकालना है वो वाला ठीक है तो ये हो गया आप इसमें से तुम डब्ल्यू निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा आएगा टेन पॉइंट नाइन एट सेवन ऐसा कुछ आएगा ठीक है दस नौ आठ सात ऐसा कुछ आएगा तुम्हारा ठीक है ग्राम अब तुम्हारे पास सब कुछ है ठीक है कंसेंट्रेशन क्या कहता है कंसेंट्रेशन क्या कहता है भाई गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट यही कहता है ना तो ठीक है निकालते हम सी इज इक्वल टू गिवन वेट टेन पॉइंट नाइन एट तीसरी वैल्यू नहीं लिखा ठीक अपॉन मोलिकुलर वेट वन एट्टी तो भाई बोला सो तो क्रोस तो बन नहीं जाएगा तो ये आएगा तुम्हारा C इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स कुछ समझ गए जीरो पॉइंट तो ये तुम्हारा आएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स समझ गए बात तो ये हमारा कंसंट्रेशन आ गया क्यों? तो मैं निकालना किसकी हेल्प से था तो मैं मेन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि ऑफ फैक्टर से पढ़ा है हमने आई वाले ने दिया है ठीक है और उसने ये भी दिया है देखो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई वॉल्यूम को मैं इसके अपॉन में कर दूं मतलब एन अपॉन बी आर टी तो ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो ये भी तो कंसनट्रेशन है तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी भी बोला है उसने ठीक है तो दो उसने दिए हैं दो से तुम दोनों से निकाल सकते हो दोनों से निकाल सकते हो बस तुम्हें सी को बाद में खोलना ही पड़ेगा इसीलिए मैंने सीधे खोल के बता दिया समझ गए ये ये होगा तुम्हारा आंसर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो आओ देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक है वो देखो सजेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंट्रेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स चलो एक तो थ्योरेटिकल आया भाई जब से न्यूमेरिकल कर रहे थे चलो एक थ्योरेटिकल आया देखो क्या कह रहा है क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है कि इन लोगों को तुम्हें बताना है कि कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा कौन सा इंट्रैक्शन होता होगा तो चाहे हमें वो बताना है ठीक है ये क्या है एन एग्जिन और एन ऑक्टेन ठीक है तो दोनों कार्बन की सीरीज दोनों लंबी सीरीज ठीक है दोनों में क्या कोवल बॉन्डिंग होती है एन 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 सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है कोई पोलर नहीं है दोनों क्या है नॉन पोलर है दोनों के दोनों क्या है नॉन पोलर है नॉन पोलर क्या होता है भाई नॉन पोलर क्या रहता है जिसमें पोल्स प्रेजेंट ना हो ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो ठीक है वो दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं ठीक है ठीक आप सुनो जब दोनों के दोनों नॉन पोलर कभी भी दिख जाए तुम्हें तो उन दोनों के बीच में जो जो अट्रैक्शन रहता है जो इंट्रेक्शन रहता है वो होता है लंडन लंडन डिस्पर्जन अट्रैक्शन ठीक ये वाला होता है उनमें फोर्स ठीक तो पहला तो ये हो गया हमारा ठीक अब दूसरा क्या है दूसरा है आई टू और सीसी एल फोर ठीक है तो ये तो हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सी सी एल फोर इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन से ही तो बना है ना ठीक है और ये आई टू आई टू भी नॉन पोलर है ठीक तो ये भी दोनों क्या होगा नॉन पोलर नॉन पोलर तो ये भी क्या हो जाएगा लंडन डिस्पर्जन फोर्स एल डी ए समझ गए ये हो गया ना जो भी जब भी भी तुम्हें क्या दिख जाए दो दिख जाए क्या नॉन पोलर ठीक है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही वही होता है अब तीसरा देखो क्या है थर्ड पॉइंट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा एन ए सी एल ओ फोर एन ए सी एल ओ फोर और वाटर एन ए सी एल ओ फोर और वाटर अब देखो भाई ये टूटता कैसे ये टूटता है एन ए प्लस सी एल ओ फोर माइनस ठीक प्लस किसकी बात कर रहा है वो वाटर की बात कर रहा है वाटर क्या है ऑलरेडी वो पोलर नेचर है ऑलरेडी वो पोलर नेचर का होता है ठीक है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन वो होता है वो होता है आयन डायपोल इंट्रैक्शन ठीक है आयन डायपोल इंट्रेक्शन ठीक है ये होता है इन दोनों के बीच में ठीक ये हो गया हमारा कौन सा थर्ड वाला अब फोर्थ क्या कह रहा है मैथेनॉल एंड एसीटोन मैथेनॉल एंड एसीटोन ठीक है मैथेनॉल क्या होता है भाई, सी एच थ्री ओ और ये एच एसीटोन क्या होता है इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री ये होता है ना एसीटोन ठीक है अब ये क्या करेंगे ये आपस में बना लेंगे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है ये बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि ये इसको खींचेगा ठीक है ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये खींचेगा किसके हाइड्रोजन को खींचेगा वो और जब खींचेगा तो उनके बीच में कौन सी बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ठीक है तो इनमें अट्रैक्शन कौन सा हो गया इनमें अट्रैक्शन हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो ये इंट्रैक्शन इसमें हो गया अब दूसरा क्या है एसिटोनाइट्रेल ठीक है और एसीटोन सेम देखो उसमें इसमें क्या होगा सेम नहीं देखो सी एच थ्री C ट्रिपल बॉन्ड N ठीक है ये तो पता है हमें साइनाइड है ना ये ठीक अब इधर देखो इधर क्या सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड O और ये सी एच थ्री ठीक है अब देखो ये क्या करेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन लेगा कि भाई दे दे मेरे को ये खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये हो गया तो अब मैं तुमसे बोल सकता हूं कि भाई ये नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव पोल तो दो पोल बन गए हैं ठीक है ये बोल सकता हूं अब ये क्या करेगा ये भी कहेगा कि सेम सेम चलो मैं भी करता हूं ये क्या आएगा नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव ठीक है तो अब तुम देखो दोनों के ऊपर क्या बन गए नेगेटिव पॉजिटिव बन गए ठीक है ना तो ये क्या होगा ये भी डायपोल है और ये भी डायपोल है तो इनका इंट्रेक्शन क्या होगा डाईपोल डायपोल इंट्रेक्शन ठीक है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ठीक है या अट्रैक्शन या फोर्स ठीक है ना अब देखो फिर से देख लो नाइट्रोजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से कार्बन सबसे ज्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा नहीं होता वरना मेटल से कंपेयर करने लगो ठीक है नाइट्रोजन से कंपेरिजन में क्या है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाइट्रोजन क्या कहेगा कि भाई दे दे इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को तो उसने कहा कि ले ले भाई उसने दिया तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और जिसने दिया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये हो गया अब तो बन गए ना पोल्स में वो क्या हो गए डिवाइड हो गए ना उसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव अब इधर देखो एसीटोन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरिन ठीक है ना तो ये क्या है ये कहेगा कि दे, दे। फिर ये प्लस बन जाएगा डायपोल तो ये डायपोल ये डायपोल ठीक है तो ये इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कौन सा हो जाएगा डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन समझ गए बात ठीक है फिर ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ठीक तो इसमें क्या था लंडन डिस्पर्जन फोर्स सेम इसमें भी इसमें आयन बनते हैं एन ए प्लस सी एल ओ फोर माइनस और ये वाटर पोलर है ठीक है तो एक इसमें होगा आयन डाइपोल ठीक अब इसके में क्या है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ओ एल ऑक्स क्या है एल्कोहल ग्रुप है और ओन कीटोन ग्रुप है ठीक है तो तो समझ जाना कि भाई कहीं ना कहीं से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही जाएगी अब इसमें क्या है नाइट्रिल नाइट्रिल क्या जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे कार्बन से और एसीटोन ऑक्सीजन तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है तो वो क्या कर देगा वो पोलर पोलर नेचर फॉर्म कर देगा और जिसके कारण होगा समझ गए बात चलो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या चलो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हाँ बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन ठीक है एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या बताना है कि भाई कैसे हो गया अब देखो वो बोल क्या रहा है कि भाई तुम पता हो हमें सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रेक्शन के बेसिस पर कि भाई किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एन ऑक्टेन के अंदर ठीक है एन ऑक्टेन के अंदर तो सबसे पहले तो एन ऑक्टेन कौन सा सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है ठीक है तो ये कार्बन की लंबी चेन से बना है जो कि सिंगल बॉन्डेडली ज्वाइन रहते हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं अल्किन ग्रुप ठीक है तो ये कौन सा है ये है नॉन पोलर क्योंकि कार्बन की जहां पर भी लंबी चेन रहेगी उसमें नॉन पोलरिटी वाली जो चीज़ें हैं नॉन पोलरिटी का जो नेचर है वो ज़्यादा रहेगा ठीक है और पोलर कब रहेगा जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके ठीक है वो रहेगा पोलर सॉल्वेंट ये मैं वाटर के केसेस में बता रहा हूँ ठीक है ना नॉन पोलर जब भी तुम्हें कार्बन की लंबी चेन दिख जाए हर साइड वहां पे भी सोप याद रखना सोप का एक एग्जाम्पल याद रखना वो सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव यह हो गया नॉन पोलर अब हमें एक फेनोमेना पता है लाइक तो ये होता है लाइक लाइक वाला फेनोमेना हर जगह फॉलो होता है अब देखो एन ऑक्टेन नॉन पोलर है तो वो किसको डिजोल्व करेगा ऑब्वियसली नॉन पोलर को करेगा देखो आप इधर आओ पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा साइक्लोहेगिन साइक्लोहेग्जिन साइक्लोहेगजिन कैसे बनता है ऐसे ऐसे बनता है नहीं ना चलो ये होता है साइक्लो हैगजिन साइक्लो हैगजिन का फॉर्मूला क्या होता है सी यही होता है ना देखो ये होता है ना यहाँ पे हर एक एच प्रेजेंट होगा ऐसा हर एक कार्बन पे दो होंगे ठीक है ना ये हर एक कार्बन पे लगा लेना और ये क्लोज चेन होता है क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है अब ये तुम खुद सोचो ये भी तो लगभग सेम ही है ना यहाँ पे सिंगल बॉन्डेडली था बस ये ओपन चेन है ये क्लोज चेन है ठीक यहाँ पे भी अल्किन ग्रुप ही बन रहा है यहां पे भी क्या सिंगल बॉन्डेड है अल्किन ग्रुप ही है सिर्फ कार्बन ही कार्बन है कार्बन ही कार्बन है तो ये कौन सा हो जाएगा नॉन पोलर ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर तो मैंने अभी बताया था लाइक डिजोल्व लाइक नॉन पोलर किस को डिजोल्व करेगा नॉन पोलर को तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी इन सब से अभी देखते हैं इसकी सॉलिबिलिटी हमने मान लिया कि अभी है अभी हम नहीं डिसाइड करते कि ज्यादा है या कम है ठीक है सोलिबिलिटी तो, तो होगी अब उसके बाद है के सी एल के सी एल एस सी एल लिख रहा था के सी एल ठीक है के सी एल अब देखो ये कैसे टूटेगा के प्लस के प्लस प्लस सी एल माइनस ये है आयंस आयंस किस में होते हैं पोलर में बहुत अच्छे आयन किसमें होते हैं पोलर सॉल्वेंट में ठीक है और यहां पे क्या है नॉन पोलर तो ये डिजोल्व होगा क्या नहीं होगा अब देखो अब देखो आयन का केस देख लिया हमने अब यहां पे देखो सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच है मैथेनॉल जो हम पहले अभी देख के आए हैं हमारे पिछले में ये हमारा क्या मैथेनॉल मैथेनॉल ठीक मैथेनॉल ओ OH एच ग्रुप एल्कोहल ग्रुप अब देखो ये क्या बनाता है ये पसंद करता है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना किसी भी सॉल्वेंट के साथ ये पसंद करता है और ये क्या है पोलर नेचर ये है पोलर नेचर का जब तुम लोग एल्कोहल पढ़ोगे तो पता चलेगा तुम लोगों को कि जो आगे के रहते हैं वो सॉलेबल रहते हैं वाटर में लेकिन जैसे जैसे तुम कार्बन की चेन बढ़ाते जाओगे तो क्या बढ़ता जाएगा लिपिड का जो नेचर है वो बढ़ता जाएगा मतलब नॉन पोलर नेचर बढ़ता जाएगा ठीक तो ये क्या रहेगा के से थोड़ा सा कम सोलेबल होगा कम सॉलेबल क्या वो सॉलेबल ही नहीं होगा ठीक है ना इतना ज़्यादा जितना ये हो पाएगा साइक्लो क्योंकि इसमें पोलर ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है तो सिर्फ इतना ही पार्ट तो उसके पास क्या है नॉन पोलर है सिर्फ इतना पार्ट उसके पास नॉन पोलर है तो बहुत ही कम होगा अब देखो दूसरा उसके बाद क्या सी एस थ्री सी त्रिपल बॉन एन अब देखो हाँ मैंने बोला था कि ये क्या कर लेगा ले लेगा ठीक है इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन लेकिन इसके इसके पास कोई भी पोलर ग्रुप नहीं प्रेजेंट है ठीक है तो ये इन सब से तो ज्यादा सॉल्युबल होगा ना इन सब से तो ये ज्यादा सोलिबल होगा ना तो देखो अब क्या होगा अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा सबसे ज्यादा साइक्लो क्योंकि उसके पास ना तो कोई पोलर ग्रुप है और पूरा सेम स्ट्रक्चर है किसके जैसा एन ऑक्टेन का बस वो क्लोज है और ये नॉर्मल है तो ये क्या हो जाएगा क्या साइक्लो साइक्लोहैगजन की सोलिबिलिटी क्या सबसे ज्यादा उसके बाद किसकी आएगी उसके बाद आएगी तुम्हारी किसकी किस की सी एच थ्री सी एन की क्या था ये एसिटोनाइट्रिल था, था ना ये यही था ना चलो ये हो गया पहला ये हो गया दूसरा थर्ड पे किसकी आएगी थर्ड पे आएगी सी एच थ्री ओ एच की क्योंकि मेथनॉल है तुम्हारा अब फोर्थ पे कौन सा आएगा तुम्हारा के सी एल जो कि तुम्हारा क्या है सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड ठीक है ये होगा तुम्हारा क्या सीक्वेंस होगा तुम्हारा ऑर्डर होगा समझ गए ये आयन है बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं नॉन पोलर में जाऊं ये थोड़ा बहुत इससे चाह ही लेगा क्योंकि कार्बन भी प्रेजेंट है तो कहता है कि भाई थोड़ा तो चल लो ठीक इसके बाद ये क्या है ये थोड़ा और उससे ज़्यादा नॉन पोलर हो गया और ये तो फिर साइक्लो एक्सन है ही नॉन पोलर ठीक है समझ गए क्वेश्चन चलो तो ये वाला हमारा हो गया तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर भी हमारा हो गया है ठीक है अब हम देखते हैं अगला तो देखो यार अगला तो कुछ था नहीं ठीक है इस वीडियो के लिए अभी तक तो खत्म ठीक है अब हम आगे वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े और बचे क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे होप आपने मेरे साथ करा होगा ठीक है और होप आप जो भी तैयारी कर रहे हो वो उसमें थोड़ा तो हेल्प करा ही होगा ठीक है हाँ मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्न अब फ्री है पर बेस्ट है